सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। वो दिन है जिस दिन लोग अपनी मर्जी की सरकार चुनेंगे। जी हाँ, पूरे हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान किया जा रहा है। वहीं इसी को लेकर पंचकुला के सेक्टर 17 के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जहां लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए अपने घरों से आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार हरियाणा के चुनावी मैदान में 1169 प्रत्याशी मैदान में है, जिनकी किस्मत मत पेटियों में बंद हो जाएगी, जिनके नतीजे 24 अक्टूबर को सबके सामने आएंगे। तो चलिए हम लोगों से बात करेंगे कि इन विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी क्या राय है। वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। किस क्या लगता है आपको कि आप कौन, जिस मर्जी की सरकार आए हैं, आप क्या चाहते हो कि वो आपके लिए क्या करे? बस जो भी सरकार आए जी, बढ़िया काम करे। पंचकुला से आप? पंचकुला से जी, इंदिरा कॉलोनी। जो मौजूदा विधायक है यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। उनके कार्यों से कितने खुश हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। आपके हर उस पे खरे उतरे हैं वो? मतलब ठीक ही हैं, खरे उतरे हैं। वादों पे? वादों पे तो कोई पूरा होता नहीं है। नहीं होता, नहीं होता। थोड़ा बहुत तो कमी आती ही आती है। वोट डालने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हैं। क्या चाहते हो? हम जी इंसाफ चाहते हैं अपना, और ये अपना नाले नौकरी बच्चों के लिए रोजगार बेरोजगारी घूम रहे हैं, इस करके ने हमें अपना यही चाहते हैं। तो इससे क्या राय आपकी कि सरकार ने, हरियाणा सरकार ने वादा किया था? हाँ। कि वो नौकरियां देंगी? हाँ, नौकरियां देंगे। मारते तो कुछ कौन दिया, मारा तो लड़का ने रख रखे थी। तो मतलब क्या चाहते हो अब, जो कोई किसी की भी सरकार आए, क्या चाहते? क्या चाहते? यू चाह भाई, रोजगार चाहिए हमने तो, बच्चों के रोजगार चाहिए जी उनको, और युवा अपना मतलब और सब सुरक्षित रहे बंदे। वोट करके आए हो आप? हाँ जी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे पंचकुला से जो मौजूदा एमएलए हैं, उनके कार्यों से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश जी। क्या चाहते हैं आप, किसी भी कोई भी सरकार है, क्या चाहते हैं उससे? बस हमारे ये कॉलोनी का विकास होना चाहिए, बिजली पानी सब चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए दे सके। जो सरकार आएगी, किसी की भी सरकार है, उसे आप क्या चाहते हो? क्या चाहना? क्या देगी सरकार, क्या चाहना? नहीं मतलब कुछ तो होगा। हाँ। कि कोई सरकार आए, आपकी कोई इच्छा हो कि आप ये चाहते हो कि हमारा ये काम नहीं हो? काम तो हमारा कोई भी नहीं होता, हम तो सारा दिन कोठियों में रहते हैं, जो कोई कागज भरते फॉर्म भरते बंदा उन्हें कहीं पता लगता जाएगा अपना। तो फिर आज आपने मतदान किया, आज आपने वोटिंग की, तो मतलब आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार अच्छी है, केंद्र सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार? जो उनसे आगे हो ही अच्छी है हमारे घर, कोई भी आज कोई नहीं। ठीक है, वोट डाल के आए हैं? हाँ जी, वोट डाल के आए हैं। आप कोई भी सरकार आए, सरकार से क्या चाहते हैं आप, क्या नीति है उनकी? हमारी कॉलोनी में तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे ना तो पानी ढंग से आता है, है ना, वहाँ सड़कें ठीक से हैं, सबसे बड़ी बात तो, और नाला भर के आता है तो सारा पानी घरों में घुस जाता है। यहाँ कॉलोनी रहने दीजिए, कहीं प्लाट मिल जाए तो अच्छा है, बस सब मेन बात यो है। तो जो सरकार वादे करती है, क्या कोई कुछ वादे जो करती है पूरा नहीं करती सरकार? कितनी सरकार आ रही है हमारे इसमें, 30 साल हो गए हैं, आज तक किसी ने पूरा वादा नहीं करा। जो मौजूदा विधायक है यहाँ? हाँ, कोई वादा पूरा नहीं करता, बस वोट के टाइम पाते फिर कोई नहीं आता है, बस मैन बात है, प्लाट मिल जाने की है, बस वोट के टाइम पे। और क्या जो कह दिया इन्होंने वो मैं भी कहती हूँ। आप क्या चाहते हैं कि जो अगली सरकार आए उनसे क्या चाहते हैं? वही चाहते जो मैंने कहा, वही बात है और कुछ नहीं है, बस बात और नहीं। हाँ, राज्य में शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इन विधानसभा चुनावों को लेकर लोगों का कहना है कि सभी नेता सिर्फ चुनावों के समय में ही सामने आते हैं और बड़े बड़े वादे कर मुकर जाते हैं। आपको बता दें कि इन विधानसभा चुनावों के नतीजे 24 अक्टूबर को सामने आएंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाली सरकार क्या इन लोगों से किए गए वादों पर खरी उतर पाएगी या नहीं। मैं आकृति, कैमरा पर्सन सूरज के साथ डेली पोस्ट हिंदी, पंचकुला।